जानना चाहेंगे ये मिल्क एटीएम है क्या? एक्चुअली जो है मिल्क एटीएम है, जिस तरह हमारा एटीएम है जैसे जिससे हम पैसे निकालते हैं, इसी तरह ये मिल्क एटीएम है जिससे हम जिसके ज़रिए से हम दूध हासिल कर सकते हैं। इसमें हमें ऑप्शन है, या तो हमें एक कॉइन डालना पड़ता है तो यहाँ हमें एक कार्ड मिलेगा जिसको रिचार्ज करना पड़ता है, फिर कितना दूध आपको चाहे तो वो उस हिसाब से आपको मिलेगा। ये इसलिए हमने किया है कि ताकि लोगों को राउंड द क्लॉक दूध की फैसिलिटी अवेलेबल रहे। और इसका एक है कि ये जो एंटरप्रेन्योर है, जो ये मिल्क प्रोड्यूसर्स है, इनको भी इससे अच्छा मार्केट मिल जाएगा। और ये हमने एक स्कीम है हमारी डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को, डेयरी फार्मर्स को 50% सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें हम अगर कोई डेयरी फार्म खोलना चाहे, 5 से 50 गाय तक लाना चाहे, उसको भी हम 50% सब्सिडी देते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कोई आइसक्रीम मेकिंग मशीन है, खोया मेकिंग मशीन है, कर्ड मेकिंग मशीन है, मुख्तलिफ मिल्किंग मशीन है, एटीएम है, और दूसरे जो मिल्क ट्रांसपोर्ट के लिए हम उनको रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स देते हैं या नॉन रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स भी देते हैं। तो ये हमारी एक स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है। इससे हम चाहते हैं कि जो हमारा पुलवामा ब्लॉक है, इसको आनंद ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ दूध की सबसे ज़्यादा पैदावार है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान, जो खासकर बेरोज़गार नौजवान है, वो आए और अपने जो डेयरी फार्म्स खोले, अपने इक्विपमेंट्स लाए, अपने जो एंटरप्राइज अपनी शुरू करें, ताकि वो रोज़गार कमाए। और गवर्नमेंट में चूंकि जॉब्स बहुत कम है, इसलिए वो हम चाहते हैं कि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाए। जो मवेशी पालते हैं उनके लिए कौन कौन सी स्कीम है इस वक्त? ये जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, और दूसरी स्कीम है हमारी फोटा डेवलपमेंट स्कीम। फोटा डेवलपमेंट स्कीम के अंडर हम 50% सब्सिडी पर हम उनको ट्रैक्टर्स दे रहे हैं और साइलेज मेकिंग मशीन्स दे रहे हैं। और दूसरी हमारे यहाँ कोई फीड मिल डालना चाहता है, उसको हम फीड मिल के लिए हम उसको पैसे देते हैं। तो बहुत सी स्कीम्स है, बोरवेल के लिए हमारे पास है, चैप कटर्स हम उसमें दे रहे हैं 50% सब्सिडी पर। बहुत सी स्कीम है, और पोल्ट्री फार्मर्स के लिए भी हमारे पास एक स्कीम है, उसको बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत हम उनको अगर कोई अपना ड्रेसिंग यूनिट लगाना चाहता है, उसमें भी हम 50% सब्सिडी देते हैं। और कोई गाड़ी लेना चाहता है, कैजेड व्हीकल, जिसमें वो मुर्गियाँ उधर इधर ट्रांसपोर्ट कर सके, उसके लिए भी हम 50%। और बहुत सी स्कीमें हमारे पास, बहुत से कंपोनेंट्स हैं। हम आपके माध्यम से, मैं अपने जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको कहता हूँ कि वो हमारे पास आए, हमारे से राबता करें और हमारी स्कीमों का फ़ायदा उठाए। दूध की पैदावार क्या दूध पुलवामा से निकलता है? जो हमारे पास लास्ट ईयर के फिगर्स हैं, अभी तो जो करंट ईयर चल रहा है, इसके फिगर्स अप्रैल में आएंगे टोटल ईयर का। उसका नौजवानों से हमारी यही मैसेज रहेगी कि हमारे पास बहुत से अट्रैक्टिव स्कीम्स हैं, हमारे पास बहुत से स्कीम्स हैं, वो उनको अवेल करें इन स्कीमों को, उनसे फ़ायदा उठाएँ और अपने जो यूनिट्स वो कायम करें, चाहे वो वैल्यू एडेड यूनिट्स कायम करना चाहे या डेयरी यूनिट्स कायम करना चाहे, कोई अपना प्लांट लगाना चाहे, प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहे, एटीएम लगाना चाहे, और दूसरे जो पोल्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहे, फीड में लगाना चाहे, उनसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास आए, हम उनको 50% सब्सिडी पर तमाम ये जो है स्पॉन्सर, ये एंटरप्राइज है, ये स्पॉन्सर करते हैं। इससे वो उनकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, और गवर्नमेंट जो जॉब्स, चूंकि आपको पता ही है कि बहुत श्रिंक हो रही, कम हो रही है, इसलिए वो अपने पाँव पर खड़े होने के लिए हमारे साथ रब्ता करें। हम उनको हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान अपने पाँव पर खड़े हो जाए। जो यहाँ एनिमल हस्बेंड्री में बेरोज़गारों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें हैं, उनको आप कैसे आवाम तक पहुंचाते हो? जी, हम जो मीडिया के ज़रिए, हम इनके जो है मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और हम अपना भी हमारा ये विंग होता है, पब्लिसिटी विंग डिपार्टमेंट का, जो लोगों तक ये पहुंचाता है। अहमद हूँ मैं, इस मिल्क एटीएम का ओनर हूँ, जो स्पॉन्सर्ड हुई एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पुलवामा से। मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भरपूर मुझे मदद किया इस हवाले से कि मुझे ये ख्वाब पूरा हुआ। इस एटीएम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये दूध फ्रेश रह सकता है 24 घंटे, दूसरा इसमें दूध प्योर और शुद्ध होगा।
इस एटीएम में हम कॉइन से भी दूध निकाल सकते हैं और कार्ड से भी दूध निकाल सकते हैं। ये लेटेस्ट मशीनरी है, पहली बार कश्मीर में आया है इसका। ये मतलब एज ए बेरोज़गारों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये नई नया इंट्रोड्यूस हुआ कश्मीर में, इसमें बहुत सारे लड़के फ़ायदे उठा सकते हैं। क्योंकि मैं इसी काम से हूँ, मुझे एक्सपीरियंस और तजुर्बा इसी कार में है, काम में है, इसी वजह से मैंने इसी काम को चुना है कि मैं ऑलरेडी इस बिज़नेस से वाबस्ता हूँ। अब इस पिछले 10 साल से मैं इस काम से वाबस्ता हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं इस काम में एक लेटेस्ट मशीनरी लाऊँगा जो आज मैंने यहाँ इस्तेमाल किया। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि हमारे टाउन में दूध की बहुत किल्लत है, इस वजह से आप ये यही इंट्रोड्यूस करो हमारे इलाके में। हाँ, वो कैसे रहे? ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं, इसमें एनिमल हस्बेंड डिपार्टमेंट में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उनसे फार्म लिया, IDDS 2020-2021 में ये इंट्रोड्यूस हुई, मैंने उसमें फार्म फिलअप किया तो फिर मेरा नाम सिलेक्ट हुआ। इसके लिए महारत की ज़रूरत ज़रूरी है, इस काम में होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। तो डिपार्टमेंट ने मुझे फुल सपोर्ट किया, खासकर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के चीफ ने, उन्होंने मुझे भरपूर हिमायत की कि आप ये काम स्टार्ट करो, हम आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश मदद करेंगे। तो इसकी इनॉग्रेशन हुई दुकान की? एक दिन इनॉग्रेशन एक्चुअली इसमें कल हुई है, तो कल से यहाँ दूध लेना, कस्टमरों ने दूध लेना स्टार्ट किया है। तो मैं अब आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप भी इस दूध का फ़ायदा उठाएं और एक बार इस दूध का ट्राई कीजिए कि ये दूध कैसा है। ज़रूरत है, अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये लीटर दूध निकाल सकते हैं। ये मैंने कार्ड स्कैन किया है, इस दूध की लीटर की रेट फिक्स 40 रुपये है। अब मुझे अगर मुझे ML में देना है, वो ML फिक्स किए हैं, अब मैं रुपी से निकालूंगा। 40 रुपये ये सेकेंड किया, ये है तेरा दूध। लेना चाहता है महीने के लिए, मैं उसको एक अपनी कंपनी का एक कार्ड इशू करूंगा जिसको मैं रिचार्ज करूंगा अपनी ऐप से। वो मेरी मोबाइल में ऐप मौजूद है, उसके साथ मैं इसको रिचार्ज करूंगा। उसको वो कार्ड, चाहे वो जितना भी दूध लेना चाहे डेली बेसिस पे लेना चाहता है या महीने के लिए, उसको मैं वन टाइम इसको रिचार्ज करूंगा, जैसे हम बाकी कार्ड को रिचार्ज करते हैं। तो वो अपने जेब में रहेगा, जब चाहे दूध ले सकता, खुद भी दूध ले सकता है, मेरी ज़रूरत नहीं है उस वक्त। पुलवामा में क्या आम के लिए आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7006906180। फिर से 7006906180।